हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते। मैं लेके आ गई हूँ फिर एक नई रेसिपी। आज मैं शेयर करूँगी मटन बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं मैं कैसी बनाती हूँ। यहाँ पर मैं मटन बिरयानी के लिए मटन ले ली हूँ। ये 600 ग्राम मटन है, उसको अच्छे से वाश करके मैं रखी हूँ। और उसके ऊपर अभी मैं सॉल्ट ऐड कर दी हूँ। जितना मटन है उसको देख के मैं सॉल्ट ऐड कर दी। और उसमें रेड चिल्ली पाउडर में 2 चम्मच ऐड कर दी। और 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दी। जो टेबलस्पून होता है उसमें भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दी और उसको अच्छे से मिला ली। अब धनिया पाउडर उसमें 2 चम्मच ऐड कर दी। और धनिया पत्ता और जो पुदीना पत्ता उसको भी ऐड कर दी। अब जो प्याज को मैं फ्राई करके रखी थी उसके दे दी प्याज को। ये प्याज की फ्राई की रेसिपी चाहिए तो मेरी चैनल पे है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं कुछ खड़ा मसाला ली हूँ, दालचीनी, इलायची और लौंग, काली मिर्च, बड़ा इलायची, ये सब ऐड कर दी। और 2 तेज पत्ता ऐड कर दी। और दही 5 से 6 चम्मच, बड़ा जो टेबलस्पून से 5 से 6 चम्मच दही ऐड कर दी। उसको अच्छे से अभी मिला लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं हल्दी डालने के लिए भूल गई थी। थोड़ा सा हल्दी, मतलब हाफ चम्मच से भी कम में हल्दी पाउडर ऐड कर दी। उसको अच्छे से मिक्स कर दी। और यहाँ पर मैं बिरयानी पाउडर ले रही हूँ, बिरयानी मसाला बड़ा चम्मच। मैं यहाँ पर 3 चम्मच ऐड कर दूंगी। देखिए यहाँ पर मैं 3 चम्मच ऐड कर दी। और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दी। अब उसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 नींबू ली हूँ। नींबू का रस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं नींबू का रस ऐड कर दी और उसको भी मिला लेंगे। देखिए यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मैं घी गरम करके रखी थी, मेल्ट करके, उसमें देसी वाला घी ऐड कर दी। बड़ा 4-5 चम्मच होगा देसी घी उसमें ऐड कर दी। वो सब मिक्स हो गया। अब उसको छोड़ देंगे 30-35 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं बिरयानी चावल ली हूँ। ये 1/2 किलो चावल है। उसको हल्के हाथों से ऐसे मसल के अच्छे से धो लेंगे 3-4 बार। जैसे चावल टूटे नहीं, ऐसे हल्के हाथों से उसको मसल के मैं अच्छे से धो के उसको भिगो के अभी रख दूंगी। 15-20 मिनट रख देंगे तो काफी है। उसको अभी मैं भिगो के रख दी। अब एक प्रेशर ले ली। प्रेशर में सरसों का तेल ऐड कर दी। मैं सरसों की तेल से बनाऊंगी, आप चाहे तो रिफाइंड की ऑयल से बना सकते हो। तेल गरम हो गया था, मैं उसमें जो मटन को मिक्स करके रखी थी ऐड कर दी ऑयल में। और जो कटोरा में कुछ लगा था उसमें थोड़ा पानी देके उसको मिला के मटन के अंदर दे दी। अब गैस को हाई रखेंगे 5-7 मिनट के लिए। जब उसके उबल आने लगेगा, देखिए कितने अच्छे से उबल रहा है। अब उसका प्रेशर बंद कर देंगे। बंद करके उसको 10 से 12 मिनट के लिए गैस के ऊपर रख देंगे। एक हाई पे सीटी दे देंगे और एक सिम पे सीटी दे देंगे, फिर गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैं बिरयानी के लिए चावल चढ़ाऊंगी। पानी रख दी, पानी गरम हो गया है। उसमें खड़ा गरम मसाला ऐड कर दी और 1 तेज पत्ता ऐड कर दी। और 2 चम्मच सॉल्ट ऐड कर दूंगी। हो गया सब ऐड कर दी मैं। अब उसको थोड़ा उबलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं शाही जीरा ऐड कर दी। कवर करके उसको उबलने के लिए छोड़ देंगे मसाला से, जिसे रस निकल जाए। देखिए यहाँ पर उबल चुका है अच्छे से, पानी का कलर भी चेंज हो गया है। चावल को धो के रखे थे, अब ऐड कर देंगे। और यहाँ पर देखिए मैं ये है बिरयानी मसाला। मैं उसमें 2 चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ पानी में। चावल का कलर बहुत ही अच्छा दिखेगा। और केसर नहीं है तो आप बिरयानी मसाला डाल दिए, चावल का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है जब हम चावल बनाते हैं। उसमें 2 चम्मच ट्राई करके देखिए, बिरयानी मसाला डाल के चावल का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है और कलर भी बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पर मैं 1/2 नींबू रखी थी। नींबू को नींबू की रस दे दी और 2 चम्मच रिफाइंड की ऑयल ऐड कर दी।
चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर चेक करेंगे, मटन बिल्कुल ठंडा हो गया है। मटन का कलर कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर मटन भी पक चुका है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छे से पक गया है। मटन रेडी हो गया, अब देखेंगे चावल क्या हुआ। चावल को चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर चावल बिल्कुल रेडी हो चुका है। हाथ से चेक करेंगे, इसे टूट रहा है मतलब हो गया है चावल। अब उसको छान लेंगे। देखिए यहाँ पर एक मैं पतीला ले ली, उसमें घी ऐड कर दूंगी, ये देसी घी है। उसको चारों तरफ फैला लेंगे घी को अच्छे से। नीचे अभी चावल दे दूंगी, मटन नहीं दूंगी। क्या होता है ना, नीचे मटन देने से कभी कभी नीचे से लग जाता है, इसीलिए मैं नीचे चावल ऐड कर दूंगी और उसके ऊपर मटन ऐड करूंगी। देखिए यहाँ पर मैं चावल ऐड कर दी, उसको अच्छे से फैला लेंगे के ऊपर मटन ऐड कर देंगे। फिर आलू और मटन अच्छे से चारों तरफ मटन दे देंगे। ये चारों तरफ मैं मटन ऐड कर देती हूँ और फिर उसके ऊपर चावल दे देती हूँ और उसके ऊपर अभी फ्राई किए हुए प्याज ऐड कर देंगे, धनिया पत्ता पुदीना पत्ता ऐड कर देंगे। प्याज ऐड कर दी, अब धनिया पत्ता और पुदीना के पत्ते ऐड कर देंगे। ऊपर मटन ऐड कर देंगे एक बार और, जितना भी मटन है सब उसके ऊपर अभी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं मटन ऐड कर दी, मटन जितना भी मसाला था सब ऐड कर दी और जो चावल बचा था उसको उसके ऊपर ऐड कर देंगे। देखिए मैं देखे चारों तरफ चावल को अच्छे से फैला दी, अब उसके ऊपर फ्राई किए हुए प्याज और धनिया पत्ता पुदीना पत्ता फिर से और एक बार ऐड कर देंगे उसके ऊपर। मैं उसके ऊपर दो हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी, नीचे रखने के लिए मैं भूल गई थी इसीलिए ऐसे ही उसके ऊपर रख दूंगी। और उसके ऊपर अभी मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूंगी, आपके पास फूड कलर है तो ऐड करिए, नहीं तो स्किप करिए। देखिए यहाँ पर मैं फूड कलर ऐड कर दी और घी में यहाँ पर बड़ा 2-3 चम्मच घी ऐड कर देती हूँ। अब उसको कवर करके स्टीम के लिए रख देंगे, नीचे एक तवा रख दूंगी, तवा के ऊपर उसको 20 मिनट के लिए हम रख देंगे, गैस को सिम करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 20 मिनट हो गया है, बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं प्लेट को निकाल रही हूँ। आप सभी को मेरी मटन बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ मेरी मटन बिरयानी कैसी लगी। और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को फुल वॉच करो। तो मैं इसको चली अब बिरयानी को एंजॉय करने के लिए। आप सबको, आप सभी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरी मटन बिरयानी की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।